हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नर्सिंग अब नर्सिंग युग में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नॉर्चेट 2022 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, कि नॉर्चेट 2022 में कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि कट ऑफ एक्यूरेट कट ऑफ नहीं है, कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, मगर स्टूडेंट ने हमें रिव्यू दिया है उसके आधार पर हमने कट ऑफ बनाई हुई है। आपको इस कट ऑफ को देखने के बाद एक आइडिया मिल जाएगा कि कट ऑफ कितने तक रह सकती है। चलिए शुरू करते हैं। कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें ही आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको एम्स नॉर्चेट का, ठीक है, एम्स का ये ऑफिशियल वेबसाइट का डाटा है कि यहाँ पर आपको एम्स ने बताया हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर परसेंटेज वो कितनी होनी चाहिए। आपको क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम तो आपको कितनी परसेंटेज आपकी मिनिमम आनी चाहिए। बात करें हम जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पर 50% है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए 45% है। एससी और एसटी की हम बात करें तो उसके लिए यहाँ पर 40% है। और पीडब्ल्यूबीडी वालों को यहाँ पर सभी कैटेगरी में 5% की यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 5% की उसको छूट मिलेगी। मान लो पीडब्ल्यूबीडी वाला है वो जनरल कैटेगरी में है तो उसकी यहाँ पर 45 होगी, ओबीसी में है तो यहाँ पर उसकी 40 होगी, और एससी और एसटी में है तो उसकी मिनिमम यहाँ पर क्वालिफिकेशन परसेंटेज है वो 35% होगी। आगे हम बात करें कि नंबर ऑफ सीट कितनी है। अभी तक यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली कि एम्स नॉर्चेट में नंबर ऑफ सीट इस बार कितनी होगी, मगर हम अप्रोक्सीमेटली मानकर चले तो इस बार नॉर्चेट में 3000 से 4000 के बीच में यहाँ पर सीट है। ठीक है, ऐसी खबर मिली है कि नॉर्चेट में करीबन 3000 से 4000 के बीच में सीट होगी। हमने जो कट ऑफ है उसके हिसाब पर बनाया हुआ है। और एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि इस नॉर्चेट में भी 80:20 का रेशियो होगा, यानी इसका मतलब 80% जो सीट है वो फीमेल के लिए होगी और 20% सीट वो मेल के लिए होगी। आगे हम बात करें कि आपको पता ही होगा कि इस नॉर्चेट में नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपको पता ही होगा कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 ऐसे अलग अलग दो शिफ्ट में पेपर हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। ऐसा तो नहीं होगा कि मॉर्निंग शिफ्ट की अलग रिजल्ट आएगा और इवनिंग शिफ्ट की अलग मेरिट होगी। यहाँ पर दोनों का एक ही मेरिट होगा। इस दोनों शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को मेरिट को इक्वल करने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। मान लो यहाँ पर इस कैसे प्रोसेस करते हैं, यहाँ पर शिफ्ट 1 में जितने भी कैंडिडेट है उसकी यहाँ पर एवरेज निकाली जाएगी और शिफ्ट 2 में जितने भी कैंडिडेट है उसकी एवरेज निकाली जाएगी। इन हिसाब से वहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर किस शिफ्ट की यहाँ पर एवरेज है वो कम है और किस शिफ्ट की ज़्यादा है। इस दोनों को इक्वल करने के लिए जो कम शिफ्ट वाली है, यहाँ पर जो कम शिफ्ट जिस भी क्या शिफ्ट 1 में है, मान लो कम मार्क्स आए हुए हैं तो यहाँ पर शिफ्ट 1 है उसको यहाँ पर थोड़े बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। कम क्यों मिल सकते हैं, क्योंकि दोनों शिफ्ट के यहाँ पर मार्क्स को इक्वल करना है। इस प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे कट ऑफ मेल कैटेगरी में, मेल की यहाँ पर कट ऑफ क्या रहेगी वो भी कैटेगरी वाइज। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी का जो मेल है उसकी कट ऑफ यहाँ पर 120 से 125 के बीच में रहेगी, 120 से 125। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 117 और 123 की यहाँ पर बीच में रहेगी। ओबीसी की हम बात करें कि ओबीसी से 115 से 120 के बीच रहेगी। एससी की बात करें तो एससी की 110 से 115 के बीच में रहेगी। और एसटी की बात करें तो एसटी वाले जो है उसकी कट ऑफ 98 से 102 के बीच में होगी, तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, उसमें थोड़ी बहुत कम हो सकती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, मगर आपको इससे आइडिया ज़रूर मिल जाएगा। आगे हम बात करें कि फीमेल की कट ऑफ यहाँ पर क्या रह सकती है। फीमेल की हम बात करें सबसे पहले तो यहाँ पर जनरल की कट ऑफ रहेगी 112 से 118 के बीच में रहेगी। उसके बाद हम बात करें कि ईडब्ल्यूएस वालों की क्या रहेगी, तो ईडब्ल्यूएस वालों की यहाँ पर 107 से 115 के बीच में रहेगी। उसके बाद ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी की 104 से 112 के बीच में रहेगी। उसके बाद एससी की हम बात करें तो एससी से यहाँ पर 100 से 105 के बीच कट ऑफ होगी, उसका सिलेक्शन हो सकता है। और लास्ट में हम एसटी की बात करें तो एसटी की यहाँ पर 95 से 100 के बीच में रहेगी। ये थी कट ऑफ। ठीक है, आपको कुछ बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कैंडिडेट है उसकी कैटेगरी 1 है और उसका मार्क्स है, ठीक है, उसके परसेंटेज है सिमिलर होगा तो क्या प्रोसेस होगा। यहाँ पर आप कोई भी कैटेगरी में सेम मार्क्स होगा तो यहाँ पर उसके बाद क्या देखा जाएगा, कोई भी कैटेगरी में सेम मार्क्स होगा, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले उसकी बर्थ डेट लिखी जाएगी कि किस उम्मीदवार की यहाँ पर किस कैंडिडेट की यहाँ पर एज ज़्यादा है उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। और एज भी यहाँ पर सिमिलर होती है तो उसके बाद नेगेटिव मार्किंग आके देखी जाएगी कि किस कैंडिडेट ने कितने नेगेटिव किए हैं, उसके आधार पर यहाँ पर आपकी मेरिट बनेगी।
आगे हम आपको बताएं कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिजल्ट कब आने वाला है। रिजल्ट आपको 26 सितंबर को आने वाला है, मंडे के दिन आने वाला है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ पास में रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपके कितने नंबर होते हैं।